चेन्नई जी राजमान गुरु रूप प्यारी साध सिंह जी ओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनोहर गुरबाणी का शब्द बहुत ही सुंदर अंदाज मीठी आवाज जोशीली आवाज में आप जी लश्कर श्रवण कर रहे सो बहुत सुंदर संगत नाल तबले नाल वीर जी बैठे सन तो बहुत सुंदर ढंग के नाल बड़े सुंदर अंदाज के नाल सतसंग जी अज वो वडभागा दिन है जदों गुरु कलगी धर पातशाह ने खालसा पंथ की सरजना की है। विसाखी का दिहाड़ा है, संगरांद भी है, माता कौर कौर जी की याद जो मिठी आप मनाते हैं वह प्यारा दिन भी है। तो सतसंग जी इस दिन बहुत एक विलक्षण जिहड़ा कारज है उस अकाल पुरख वालों जो है वो गुरु साहिब जी ने एक विशेष ड्यूटी ला के उसनों संपन्न किया गया है, संपूर्ण किया गया है। निर्मल पंथ तो खालसा पंथ के जो एक सफल एक यात्रा से 239 वर्षों की वो मुकम्मल हुई है। इस दिहाड़े ते आनंदपुर साहिब के विच गुरु कलगीधर पातशाह ने बहुत सारी संगतां नूं एकत्र किया है। इतिहासकार लिखते हैं 80,000 की तादाद विच उदों संगत इकट्ठी हुई है। तो सतसंग जी जदों इस तरह के प्रचार के साधन नहीं सन उस वेले कलगीधर पातशाह ने किवें हुक्मनामे जारी करके इतनी दूर दुराडिया तो संगत आनंदपुर साहिब इकत्र हुई ने तो गुरु पातशाह ने सारियां नूं किस तरीके दे नाल एक बहुत ही जोश भरे अंदाज दे विच स्पीच दी है। प्रेरक जिन्हों कहें ना प्रेरण लिए उन्होंने अंदर खलौना लिया के लिए उन्होंने अंदर एक जागृति लियाने लिए सुते दिलों को जगाने लिए तो गुरु पातशाह ने बहुत ही प्रेरणादायक एक भाषण दिता है। उस तो बाद गुरु पातशाह ने एक विचित्र रूप में पेश होकर सिर की मांग की है। सतसंग जी एक वो कारनामा से जिसकी ताकीद गुरु नानक पातशाह पहले ही कर रहे। गुरु नानक पातशाह जदों पावन बाणी के अंदर लिखते हैं जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर थर तली गली मेरी आओ इत मारग पैर तरी जाए सिर दी जय कान की जय। तो सतसंग जी गुरु नानक पातशाह जिन्होंने शांत शिक्षक किया जाता है जिन्होंने बहुत ही शांतमय ढंग के न इतने विलक्षण ढंग के समझाया है वो लिख रहे हैं जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिद्धर तली गली मेरी आओ। गुरु पातशाह जानते सन इस प्रेम के मार्ग से चलना कोई सौखी खेड नहीं है, खंडे तार से चलना। तो सतसंग जी गुरु पातशाह के उस स्वरूप निर्मल पंथ तो जो खालसा पंथ की सिरजना का समा आया तो गुरु कलगीधर पातशाह ने फिर उस परी संगत उस समूह के एक सिर की मांग कर ली। कहते उस वेले गुरु पातशाह का तेज तो वैसे ही न्यारा से गुरु पातशाह का उस वेले कुछ अलग ही नजारा से तो गुरु पातशाह परी सभा को संबोधित होकर कहते हैं है कोई सिंह बेटा जो करे शीश बेटा। सारे पहले एक दूजे के मुँह वेखन लग गए अज गुरु पातशाह हो की गया है। गुरु पातशाह इतना प्यार देने वाले अज सिर की मांग कर रहे हैं। तो सतसंग जी ये उस वेले कुछ समय के ठहराव तो बाद कहते ने गुरतगो तो शुरू हो ही गई। उस तो बाद एक सिख उठा है जिसका नाम भाई दया राम है, खत्री है तो लाहौर का निवासी है। तो सतसंग जो वो अगे आया है गुरु पातशाह के अगे नतमस्तक होकर कहता है गुस्ताखी माफ़ करना पातशाह मैं आने में इतनी देर लगाई है मैं तत्काल आ जाना चाहिए सी। तो सतसंग जो पर गुरु पातशाह ने उसनों बांह तो फड़िया है तो उस ही तीव्रता के नाल उसको लेके चले गए हैं साइड पर। कहते ने उत्ते तंबू लग्या होया सी उस तंबू में लेके गए हैं। उस तंबू के एक आवाज़ जी आई है तो खून नाल सनी हुई फिर वो अपनी कृपान तलवार जो भी कहो वो लेके आए हैं। तो सतसंग जी फिर एक सिर की होर मंग की है हुण ते सारे होर घबरा गए ने अज पातशाह हो की गया। जदों दूजे सिर की मंग की है तो थोड़े समय बाद ही भाई दया राम तो बाद जो है धर्म चक उठते हैं।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਇਆ ਉਮੜੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਸਨੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦਇਆ ਉਮੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਇਆ ਨੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਚੱਲੋ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਸਿੰਘ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੌਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਸਿੰਘ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਚਟਕਾਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਉਤਾਰੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਸਕ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਸੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਸਕ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਭੈਭੀਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਮੱਥਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸਾਸਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਤੋ ਤੋਲਣ ਜਾਣੇ ਤਕੜੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉਡੇ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ ਮੁਗਲੋ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਜੋ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਵਿਤਕਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਸ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਘਟੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਤਾ, ਇਤਨੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਤਨੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਤਿਆਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਤਪਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਛਾਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਰਬੰਸ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਹਿੱਤ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
मन्ने ना मन्ने कोई ओ गल वखरी है, सचमुच क्या है ये देश देश ना होता अगर पिता दशमेश ना होता। जे गुरु पिता ने ये शहादत ना दित्तियां होंदियां, ये शक्ति का संचार ना किया होता, ये अमृत का संचार करके ऐसी शक्ति ऐसी स्फूर्ति ऐसी गुणवत्ता ना भरी होती तो सत्संग जो सच्ची मुची ये देश देश इस देश का ये नक्शे तो कहते हैं संसार के नक्शे तो इनाम ही मिट जाना सी, ये देश कुछ होर ही होता। तो सत्संग जो फिर गुरु पातशाह ने अमृत आप अमृत की नात लई है, फिर क्या सत्संग जो उन्होंने गुरु खालसा जी किया है, तो गुरु खालसा जी कहा ही नहीं मनिया है, तो मनिया है तो फिर इतना मन बख्शिया है। तो जो चमकौर की गली में परपंजा ने कहा सी ना गुरु साहब जी आप चले जाओगे इतों तो फिर पता नहीं लखा में होर तैयार कर लोगे खालसे, पर जेकर तुसी नहीं गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकना। तो उदो सच इसलिए तो भाई गुरदास जी कहते हैं ना प्रगटे मर्द अगमड़ा वरिया अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, गुरु चेले का भेद ही मिटा दिता जिन्हें गुरु पातशाह के विलक्षण कारनामे विलक्षण सब कुछ विलक्षण गुरु नानक पातशाह तो लैके 239 साल का ये जो सफर है उस विच सत्संग कितने मोड़ आए हैं, किस किस तरीके दे नाल जरिया भी है, पर सत्संग जो उसके नाल नाल एक अद्भुत शक्ति का संचार किया है, सारी कौम नू योद्धा बनाया है। तो इसनों गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की दूरदृष्टि ने सब तो पहले पहचाने कि जेकर इस शक्ति का संचार ना किया गया तो फिर इस जो ये कौम है जो इस हिंदुस्तान की कौम उस वेले सत्संग जो कोई खालसा पंथ वखरा कुछ ऐसा नहीं सी, सारे धर्म के लोग गुरु नानक पातशाह मनते सन, पर एक विलक्षण पहचान दे दी कि लखा में कोई खड़ा होगा ये खालसा मेरा तो वो ही पहचानिया जाएगा। तो इसके पिछे भी बहुत बड़ा कारण से जो नौवें पातशाह ने शहादत दी है उस वेले गुरु पातशाह भाई जैसा जी जो पहुंचे ने उदो उन्होंने पूछा से कि हाल से उत्थे लोगों का, तो गुरु पातशाह उन्होंने भाई जैसा जी ने जो दसिया ना कि उस वेले सारे अंदरों तलुतन कर रहे सन पर किसी की हिमाकत नहीं सी अख उत्ते उठा के या किसी गल का ये कह सकन, उन्होंने अंदर 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 वो दबे जा रहे सन कुचले जा रहे सन रो रहे सन पर यह भी नहीं सी कि खुल के रो भी सकन, इतनी भी हिमाकत नहीं सी। तो सत्संग जी किड़े किड़े जुलम हुए ने उस वेले हिंदुस्तान की जनता के, तो उस वेले गुरु पातशाह ने भी क्या ऐसी कौम सिरजांगा जो सत्संग लखां दे विच भी अज भी तुसीं वेख सकदे हो, जदों भी कोई ऐसी चाहे प्राकृतिक आपदा ऐसी आ जाती है रब ना करे तद भी ये खालसा उत्थे अपने हाथों ते कहिंदे जान अपनी हथेली ते रख के उत्थे पहुंचांदे ने। ये वो कौम है जिथे सत्संग शीश तली ते रख के भी लड़दे हुए ते 75-75 साल दे बाबा दीप सिंह जी धन धन बाबा दीप सिंह जी वर्गे शहादत दे दिंदे ने ते अपने वचन की पूर्णता लई ये कुछ भी करते हैं। तो वाहेगुरु ने अज दे दिन ही वो गुरु गुरु पिता तो कोलों गुरु कलगीधर पातशाह तो एक खालसा पंथ की जो सिरजना करवाए आप सारिया इस पुरब की बहुत बहुत मुबारक। के नाल ही नाल गुरु सानू गुरु कलगीधर पातशाह ही अखीर समय आप ज्योति जो समाण तो पहले सानू सारिया गुरु ग्रंथ साहिब जी ने लड़ता के गए ने प्रगट गुरा की देह कह के इस गुरु ग्रंथ साहिब तो ही सेध लैण की सानू सारे ताकीद कर गए ने। तो सत्संग जो जे असी वाकई जीवन में अपने जीवन को सफल करना है तनता योग बनाना है मनुखा जीवन सफल करना है तो सानू भी इस पावन बाणी तो दिशा निर्देश लैके जीवन में विचरण करना पड़ेगा, तद ही ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले नानक है प्रभु आपे मेरे की अवस्था बन सकेगी भुला चुका ने कि माँ बख्शियो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।